711 ध्रुव जान बचाएगा। ध्रुव की बात अनन्या और तारा दोनों को सही लगी। थोड़ी देर बाद वो चारों जुल्मी के घर के लिए निकल गए। वहां पहुंचकर जुल्मी ध्रुव और विक्की के साथ बाहर ही बैठकर गपशप करने लगा। तारा और अनन्या सजनी से मिलने घर के भीतर चली गई, जहां उन्होंने देखा सजनी बैठी अपने बाल बना रही थी। तारा बोली, देखो तो किसी के चेहरे पर कितना नूर आ गया है, ये चमक ऐसा लगता है जैसे सजनी निखर गई है। अनन्या सजनी के पास बैठकर प्यार से उसे गले से लगाती हुई बोली, अब ये हैप्पीनेस ही अलग है, इसलिए चमकना तो बनता है। सजनी उन दोनों की बात पर हंसती हुई बोली, तुम लोग अचानक यहाँ, अच्छा अच्छा क्या आ गई, हमको कब से मन था तुम लोगों से मिलने का। अनन्या नाराज होती हुई बोली, अच्छा हमसे मिलने का मन था, इसीलिए ना कोई कॉल ना कोई मैसेज कुछ भी नहीं। वैसे एक बात बोलूं, तुम प्रेग्नेंट हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम घर में कैद होकर रह जाओगी, तुम हमारे घर भी आ सकती हो, लेकिन तुमने तो वो जहमत उठाना भी जरूरी नहीं समझा। सजनी ने कहा, हम क्या करें, अम्मा ने कहा है कि अभी कुछ दिन ज्यादा बाहर नहीं निकलने के लिए, अभी शुरुआती समय है ना, कुछ भी ऊंच नीच हो जाएगा। तारा ने कहा, नहीं ये बात तो बिल्कुल ठीक है, अभी तो तुम बस अपना ध्यान रखो, और मिलने का क्या है, हम दोनों है ना कभी भी तुम्हारे सर पर धमक जाएंगे, बस तुम हमें याद करना, एक कॉल कर लेना। वैसे मिलने से याद आया, आजकल तुम्हारी बहन को हमारे छलावा से मिलने में बहुत दिलचस्पी है, नोटिस कर रही हो उस बात को। सजनी हंसती हुई बोली, हाँ बिल्कुल, बल्कि यहाँ पर भी हर वक्त छलावा भैया के बारे में ही बात करती है, हम और जुल्मी तो बहुत मजा लेते हैं उसका। अच्छा है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम लोगों को और क्या चाहिए। तारा ने कहा, वैसे रूप कैसी है, मेरा मतलब है कैसी लड़की है। सजनी बोली, अच्छी लड़की है, हमारे मामा की बेटी है, बचपन से जानते हैं। हाँ लेकिन पहले इतनी बातूनी तो नहीं थी, और इतनी चुलबुली भी नहीं थी, चुपचाप से ही रहती थी अपने में मगन, इस बार मिली है तो बिल्कुल अलग ही लड़की बनकर मिली है, मुंह ही नहीं बंद होता उसका। तारा बोली, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इतना बदल जाए। सजनी ने कहा, अब जुल्मी को ही देख लो, कोई जुल्मी से इतना समझदारी का उम्मीद कर सकता था, वो हमारा इतना ख्याल रखता है, बात को समझता है, हम तो यही मानते हैं अगर जुल्मी सुधर सकता है तो संसार में कोई भी सुधर सकता है और बदल सकता है। तारा गंभीर होकर बोली, वैसे सजनी आज हम लोग तुमसे मिलने नहीं आए हैं, सच तो यह है कि हम रूप के बारे में बात करने यहाँ आए हैं। ये सुनकर सजनी हैरानी से बोली, रूप के बारे में बात करने, क्या हो गया। तारा ने कहा, कुछ हुआ नहीं है लेकिन कुछ तो हो रहा है, कुछ अजीब सा है उस लड़की में। देखो वो तुम्हारी बहन है मैं मानती हूँ, लेकिन तुम हमारी बातों को गलत मत समझना, मैं तुम्हें शुरू से समझाती हूँ। इसके बाद तारा ने उस पायल के बारे में और आज जो कुछ भी हुआ वो सारी चीजों को एक साथ कनेक्ट करके सजनी को बताया और उसे अच्छे से समझाया। ये सुनकर सजनी सोच में पड़ गई और बोली, यकीन नहीं होता, ऐसा कैसे हो सकता है, और इस तरह की हरकत करके उसे क्या मिलेगा। अनन्या ने कहा, ये तो हम भी नहीं जानते, इसीलिए तो हम तुमसे मिलने आए हैं, हमें लगा कि शायद तुमसे बात करके हमें कुछ पता चले। देखो बात ये नहीं है कि हम रूप पर कुछ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, बात इतनी सी है कि छलावा उसे पसंद करता है और छलावा कहीं ना कहीं उससे जुड़ता जा रहा है, तो इसीलिए हम बस सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं ताकि कल को कोई ऐसी चीज सामने ना आए जो एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाए। वैसे तुम तो जानती हो छलावा ने काफी कुछ फेस किया है, तो हम नहीं चाहते कि वो एक और कोई सदमा फेस करे। सजनी ने कहा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम तुम लोगों की बात समझ रहे हैं, तुम लोग परेशान मत हो, हम एक काम करते हैं, अब से हम रूप पर नजर रखेंगे, अभी तक तो हम इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे और ना ही वो कभी हमारे सामने इस तरह की कोई बात की है, अब तुम लोगों ने ये बात करके हमें चौकन्ना कर दिया है, हम उसका बहुत ध्यान रखेंगे, उसकी हर हरकत पर हमारी नजर रहेगी, अगर हमें कुछ भी अलग सा लगेगा ना तो हम तुम लोगों को तुरंत बताएंगे, अभी तक तो हमको बस उसकी एक ही बात अजीब लग रही थी कि वो कभी भी गायब हो जाती है और पूछो तो कुछ ना कुछ बहाना बनाती है, हमको लगता था शायद छलावा भैया के चक्कर में इधर उधर घूमती रहती है उनसे बात करने के लिए मिलने के लिए, लेकिन तुम लोग जो बोले हो उससे अब हमारे मन में भी शक हो रहा है। तारा हैरानी से बोली, गायब हो जाती है मतलब। सजनी ने कहा, एकदम से कहीं नजर नहीं आती, पूरे घर में देख लो आसपास भी देख लो कहीं मिलती नहीं है, और फिर एकदम से मिल जाती है, घर के किसी कोने में पड़ी रहती है, बोलती है कि वो यहीं थी पर हम खुद देखते हैं वो नहीं थी, लेकिन हमको लगता है कि ऐसा ही हो सकता है, ध्यान नहीं रहता होगा या वो छलावा भैया से मिलने गई होगी तो बताना नहीं चाहती होगी, अब हम तो ऐसे हालत में बाहर नहीं जा सकते हैं, और हम सही बताएं जुल्मी को भी ये सब के बारे में सब कुछ नहीं बताते, आखिर जैसा भी हो वो है, पर है तो हमारी बहन ही ना, तो अपनी बहन के बारे में अपने पति से या ससुराल वालों से क्या कहे। अनन्या ने सजनी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, तुम परेशान मत हो ना इसके लिए, हो सकता है हम कुछ ज्यादा भी सोच रहे हो बस इसलिए,
पर तुम थोड़ा सा चौकन्नी रहना, कुछ भी अलग सा लगे तो हमें बताना, क्योंकि पाली में जो कुछ भी चल रहा है उसके बाद हम छोटी से छोटी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। सजनी ने कहा, क्या चल रहा है पाली में? तारा और अनन्या ने एक दूसरे की तरफ देखा। अनन्या ने इशारों ही इशारों में तारा को कुछ भी बताने से मना किया, क्योंकि सजनी इससे स्ट्रेस ले लेती। तारा बोली, तुम्हें नहीं पता सुमेर और बाकी सब क्या कुछ चल रहा है। सजनी ने कहा, अच्छा वो, हमको लगा कि कुछ और बात है। तारा बोली, और क्या बात हो सकती है, वही अपने आप में कम बड़ी बात है क्या? इसीलिए तो हम चाहते हैं कि हर छोटी से छोटी चीज क्लियर रहे, नॉर्मल लोग नॉर्मल जिंदगी ही जिए तो अच्छा है। अभी तीनों लड़कियां बात कर ही रही थी कि जुल्मी अंदर भागता हुआ आया और बोला, अनन्या जी, तारा जी, आप दोनों सजनी को जरा संभाल लेना, उसी के पास रहिएगा, हम लोग जरा दिलीप काका के घर जा रहे हैं। जुल्मी इतना हड़बड़ाया हुआ था कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। अनन्या ने कहा, लेकिन क्या हुआ जुल्मी, सब ठीक तो है, इतना हड़बड़ाए हुए क्यों लग रहे हो? जुल्मी बोला, अरे वो दिलीप काका की तबीयत 2-3 दिन से गड़बड़ चल रही थी ना, आज अचानक उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है, लगता है उनको तुरंत अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा, हम लोग उधर ही जा रहे हैं उनको देखने के लिए। इतना कहकर जुल्मी चला गया। जुल्मी, ध्रुव और विकी तीनों ही जब दिलीप काका के घर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा दिलीप काका बाहर बरामदे में ही खटिया पर पड़े हुए हैं और उनका शरीर नीला सा पड़ता जा रहा है, जैसे उनके शरीर में खून की कमी हो। वो बहुत कमजोर लग रहे थे और उनके बेटे बहू उनके पास बैठे लगातार रोए जा रहे थे। गांव वाले उन्हें तसल्ली दे रहे थे और पूछ रहे थे कि अचानक इन्हें कौन सा रोग हो गया कि देखते ही देखते इतने कम समय में इतने कमजोर हो गए। उनका बेटा बोला, कुछ नहीं पता, एक शाम खेतों की तरफ से लौटे और उसके बाद खटिए पर पड़ गए, उसके बाद उठे ही नहीं और कमजोर होते ही चले गए, कितना भी खिलाते पिलाते हैं, डॉक्टर दवाई कर रहे हैं, कोई असर नहीं हो रहा है। कस्बे से डॉक्टर को बुलाया था, डॉक्टर ने कहा कि अब अगर इनकी हालत नहीं सुधरी तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। ध्रुव और विकी जब दिलीप काका के नजदीक पहुंचे तो वो चौंक गए। ध्रुव ने धीरे से कहा, विकी, उनकी हालत सज्जन सिंह की तरह नहीं लग रही है? विकी ने कहा, हाँ मैं भी यही कहने वाला था। ध्रुव दिलीप काका के सिरहाने की तरफ से जाकर उनकी गर्दन पर देखने की कोशिश करने लगा। वो गौर से दोनों तरफ देख रहा था और अचानक उसकी नजर एक जगह पर जाकर अटक गई। ध्रुव के चेहरे की घबराहट देखकर विक्की को समझते देर नहीं लगी कि उन लोगों को जो शक था वही हुआ है। विक्की ध्रुव के नजदीक आया और बोला, अनन्या को कॉल करके बुलाओ। विक्की ने तुरंत ही अनन्या को कॉल किया। कुछ ही देर बाद अनन्या और तारा दोनों ही घबराई हुई वहां आती दिखी। वहां आकर अनन्या ने ध्रुव की तरफ सवालिया नजरों से देखा और ध्रुव ने हां में अपना सिर हिलाया। अनन्या के चेहरे पर पसीने की बूंद चमकने लगी थी। तारा ने कहा, अनन्या, हमें बस कंफर्म करने के लिए बुलाया गया है, घबराना मत, यहाँ बहुत भीड़ है, इस तरह की कोई भी चीज सामने नहीं आनी चाहिए। अनन्या और तारा दोनों ही दिलीप काका के नजदीक गईं और उनकी तरफ देखकर हैरान होती हुई ध्रुव से धीरे से बोली, ये तो वही है, तो इसका मतलब ये चीज पूरे पाली में भी फैलने लगी है धीरे धीरे। ध्रुव ने कहा, छलावा ने जो कहा था याद है, खतरा पूरे पाली वालों को है, तो ये वही खतरा है जो पूरे पाली को अपनी चपेट में ले रहा है, बहुत बुरा हुआ है ये, जब तक ये हवेली में था तब तक ठीक था, पर अब बात हमारे बस से बाहर होती जा रही है, हमारे पास पहले इसका कोई सलूशन नहीं था, अब हम क्या करेंगे? अगर तुम इस तरह से बात करोगे तो फिर हम तो लगता है घबराहट के मारे मर ही जाएंगे, अगर तुम्हें ही नहीं समझ में आ रहा है इसका सलूशन तो हमारा क्या होगा? विक्की ने कहा, तारा बिल्कुल ठीक कह रही है, और ये बता कि दिलीप काका को कैसे बचाया जा सकता है, ये लोग उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे हैं, ये कोई बीमारी तो है नहीं कि अस्पताल जाकर ठीक हो जाए, इनको बचाने का क्या रास्ता हो सकता है? ध्रुव ने कहा, इनको बचाने का मात्र एक ही रास्ता है कि उसे इन तक पहुंचने से रोका जाए, अगर उसका एक बार और इनसे हुआ तो इनका काम खत्म। अनन्या ने कहा, तो रोको ना उसे, रोकना ही तो है। ध्रुव बोला, ये इतना आसान नहीं है, हमारे किसी टोने टोटके से वो नहीं रुकेगी। तारा बोली, सब लोग हमारी तरफ ही देख रहे हैं, हम इस तरह से खुसुर फुसुर कर रहे हैं, बेमतलब में लोगों को हम पर शक होगा, हम दिलीप काका को देख चुके हैं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अनन्या ने कहा, वो तो ठीक है तारा, लेकिन हम यहाँ से निकल गए और ये लोग इन्हें लेकर अस्पताल चले गए तो क्या होगा, इन्हें अस्पताल जाने से रोकना होगा। ध्रुव ने कहा, मुझे जो करना है वो मैं सूर्यास्त के बाद ही कर पाऊंगा, इसका मतलब यही है कि इन्हें पूरा दिन अस्पताल जाने से रोकना पड़ेगा, क्योंकि इनकी हालत अब ऐसी ही रहेगी, जब तक कि वो एक बार फिर इन पर हमला नहीं करती तब तक इनकी हालत इससे बदतर नहीं होगी, इसकी तो मैं गारंटी देता हूँ। विक्की ने कहा, हम तो उन्हें अस्पताल जाने से रोक नहीं सकते, लेकिन इस मामले में जुल्मी हमारी मदद कर सकता है, मुझे लगता है हमें जुल्मी को सारी बातें बतानी होगी, क्योंकि ऐसे उठपटांग मौकों पर जुल्मी का दिमाग बहुत सही चलता है। ध्रुव को विक्की की बात ठीक लगी, वो सब जुल्मी को लेकर दिलीप काका के घर के बाहर आए। जुल्मी घर से निकलते ही बोला, बेचारे दिलीप काका, कौन सोचा था इतना जल्दी भगवान को प्यारे होने वाले हैं। ध्रुव ने कहा, वो कोई भगवान को प्यारे नहीं होने वाले हैं, और उनको क्या हुआ है मुझे पता है,
तू चाहता है वो ठीक हो जाए? जुल्मी ने कहा, अरे हम क्यों नहीं चाहेंगे वो ठीक हो जाए। मानते हैं वो बड़े लीचड़ हैं, बचपन से ही उनका लीचड़पंती हम देखते आए हैं, लेकिन फिर भी हम कभी ऐसा नहीं चाहते हैं कि उनको कुछ हो जाए। तुम बताओ क्या हुआ है उनको? अगर तुमको समझ में आ रहा है तो डॉक्टर वैद्य को समझ में क्यों नहीं आया? ध्रुव ने कहा, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। उसके बाद ध्रुव ने जुल्मी को सारी बातें बताई। सारी बातें सुनकर जुल्मी पहले तो बहुत ही घबरा गया और फिर बोला, तुम लोग ने ये सब हमको पहले क्यों नहीं बताया? अगर दिलीप काका की जगह हम में से कोई होता तो? विकी ने कहा, माफ कर दे, तुझे नहीं बताया। हम तुझे और सजनी को इन सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब जो सोल्यूशन चाहिए वो तेरे पास से ही चाहिए। इन्हें अस्पताल जाने से रोक, क्योंकि तू इनका पड़ोसी है, इनके गांव का है, तू कैसे भी करके रोक सकता है, हम नहीं रोक सकते। जुल्मी ने सोचते हुए कहा, सोच लिए हम कि क्या करना है। ठीक है ध्रुव, तुम लोग जाओ, तुम लोगों को जो करना है करो इनको बचाने के लिए, हम इन्हें अस्पताल जाने से रोकते हैं। इतना कहकर जुल्मी दिलीप काका के घर के भीतर चला गया।